तो ये तीनों तरीके से हम लोग कर लिए। खड़े होने में ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रेंथ बनता भी है, आप ताकतवर बनते हैं। दिमागी तौर पर हाँ, पर शारीरिक तौर फिजिकली भी है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो लेटा रहता है, बाहर जब निकलता है तो भी लेटा ही रहता है, वो फिर छटपटाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे बैठाना शुरू करता है, फिर और ताकत बढ़ती है तो खिसकना शुरू करता है, और ताकत बढ़ती है तो खड़ा हो जाता है, और ताकत बढ़ती है तो चलने लगता है, और ताकत बढ़ती है तो दौड़ने लगता है, यहाँ तक क्लाइमेक्स तक पहुँचता है वो ताकत की। अब इस ताकत की और स्टेबिलिटी का जो क्लाइमेक्स है वो खड़े में है, दौड़ने में नहीं है। चलेंगे और दौड़ेंगे तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। खड़े जब होते हैं तो स्टेबिलिटी रहती है, बैलेंस रहता है, ताकत भी रहती है, उसमें हम रिलैक्स भी हो सकते हैं, तो वो एक अच्छी पोजीशन होती है। अब यहाँ पर थोड़ी हम श्वास प्रश्वास की बात कर लें। श्वास जब हम लोग मतलब लेते हैं तो यह शुरुआत में नए साधकों के लिए एक फिजिकल प्रोसेस होता है, शारीरिक गतिविधि है यह। सांस लेते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर सांस भरते हैं, इस तरह से ये चलता है क्रम। अब जब हम सांस भरते हैं तो ऐसा समझिए कि जैसे कोई चीज़ चल रही है तो एकाएक नहीं रुकती है, उसका जो इनर्शिया होता है उससे वो थोड़ी देर और गति करती है, मतलब इंजन तो आपने वो बंद कर दिया है फिर भी वो कुछ दूर चल रहा है। जब हम सांस ले करके भर लिए तो इंजन तो बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांस जो है वहाँ रुक गई, सामान्य रूप से देखने से लगता है रुक गई, लेकिन सांस रुकती, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखिएगा, जो बहुत गहरे साधक है उनको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि सांस रुक गई, लेकिन नहीं, हमारा फिजिकल प्रोसेस जो था वो अभी ठहरा है, जिसकी वजह से लगता है कि वो सांस रुक गई, लेकिन उसकी अपनी जो गति थी, वायु की जो गति थी, तो उसके जो एटम्स थे वो गति कर रहे थे, क्योंकि वो गति काफ़ी सूक्ष्म है, एटॉमिक लेवल पर है, तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि वो रुक गई, लेकिन वो रुकी नहीं है, वो गति करेगी, आगे जाएगी, तो वो आगे जाएगी बिना हमारी जानकारी के, और हमारी जितनी उसके प्रति जो है जितना बढ़ेगी, जितना हम अलर्ट होंगे, सजग होंगे, उतना दूर तक हम उसकी गति को, जब हमारी सारी प्रक्रिया रुक गई है तो भी हम समझ पाएंगे। अब धीरे धीरे वो जाएगी, मान लीजिए वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे गई, अब यहाँ पर हम रुक, हमको महसूस होता रुक गई, लेकिन ये आगे तक गई, अब आगे तक गई तो एक बिंदु तक जाएगी, फिर वहाँ पर ऐसे कोण जैसा बना देगी, अच्छा कोण जैसा बनाएगी, और कोण बना करके फिर वहाँ से ऐसे रिटर्न होगी, रोकने के टाइम ही, हाँ वहाँ रोकने करके, रोक करके भी प्रक्रिया होगी वहाँ, वहीं पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलन होगा, वो एक्सचेंज होता है वहाँ पर, तो इधर से ऑक्सीजन चला जाएगा, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के आ जाएगा वहाँ पर, लेकिन जो है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ फिजिकल नहीं रह गया है, समझ रहे हैं, वो केमिकल हो गया है, वो ज़्यादा सूक्ष्म हो गया है वहाँ, तो अब वहाँ से फिर वह रिटर्न हो गया, फिर एक समय आएगा, उसके बाद फिर जो है फिजिकल जैसा लगेगा, फिर वहाँ से लगेगा कि अब सांस यहाँ से छूट रही है, जबकि वो छूट पहले से चुकी थी,
बात को समझिएगा अच्छा से। रुक भी पहले गई थी और छूट भी पहले गई थी, लेकिन हमको अब पता चल रहा है कि अब छूट रही है, लेकिन वो छूट पहले चुकी थी। अब यह जो गैप है जहाँ कि हम जहाँ वो रुक रही थी या जहाँ से छूट रही थी, उस गैप को जो हम नहीं समझ पा रहे थे ना, वास्तविक योगी जो होता है वो इस गैप को समझ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको की यात्रा करनी है जहाँ पर वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से फिजिकल खत्म है, यहाँ से केमिकल शुरू है यात्रा। अच्छा, केमिकल यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है? हाँ, यहाँ से केमिकल यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ उतना स्पष्ट नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे ये ट्रांजिशन फेज है। यहाँ से ले जा करके यहाँ पर जब जाएगा, पॉइंट पर जाएगा, कोण पर जाएगा, ठीक, जैसे जैसे हाँ बिंदु पर, जैसे भाला का नोक जो है, तो ये समझ लीजिए भाला का नोक है ये। अब इस ये जो नोक पर जब ये पहुँचेगा, जो कि वास्तव में भेदने की ताकत रखता है, भाला का ये नोक होता है वही ना भेदता है, तो भाला का नोक पर जब पहुँचेगा भेदेगा, वहाँ वो भेदेगा और वहाँ पर एक्सचेंज होता है। अब आपको उसको कैसे पता लगाना है कि एक्सचेंज होगा, जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर तीन घटनाएँ होती हैं, तीन चार घटनाएँ होती हैं बल्कि, हाँ, उसमें कुछ घटनाएँ होती हैं जो ज़्यादा ऐसी होती हैं कि आप उसको नोटिस कर सकते हैं। एक घटना, वहाँ पर हीट का एहसास होगा, गर्मी का या ठंडक का, ये दो प्रक्रिया बिंदु पर जाने पर दो चीज़ होती है, गर्मी या ठंडक। अगर गर्मी निकलने वाली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर ठंडक होने वाली है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं उस जगह पर। तो अगर वहाँ पर आपको गर्मी या ठंडक महसूस होता है, तो इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब आप वहाँ पहुँच चुके हैं। बात समझ लीजिएगा, आपको आगे का एडवांस योगा, ये एडवांस योगा है, ये जल्दी कहीं पर कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये जो है, इसीलिए मैं आपको बारीक से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी बोलने का आपके समक्ष, इसीलिए अभी बात आई है तो मैं कह रहा हूँ। तो इस जगह पर जाकर के गर्मी या ठंडक महसूस होगा, तो अगर आपको वहाँ पर ठंडक या गर्मी लगती है उस पॉइंट पर, तो आप समझिएगा कि आप उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, यानी आपकी चेतना बहुत सूक्ष्म हो चुकी है, अब आप उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। दूसरी बात, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो जो रिएक्शन होगा उससे क्या होता है कि प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो यदि आपको प्रकाश की उत्पत्ति दिखे उस बिंदु पर, यानी जब आप श्वास भरे और प्रकाश आपको दिखा, फिर सांस छोड़े, प्रकाश का आपको एहसास हुआ, दिखा मतलब आँख से आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है जैसे कि भीतर प्रकाश है, वो आप अंदर की आँख से देखेंगे, वो चेतना की आँख है जिससे आप देखते हैं, उसी को कहा गया है सतोगुण। चित्त जो है सत हो जाता है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, खाली किताब में पढ़ लेंगे कहीं लिखा हुआ सत्व, चित्त में सतोगुण हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सत का मतलब ये वहाँ पर प्रकाश उजागर होता है। तो जब आप सांस भरते हैं, हर सांस में भी आपको प्रकाश दिखता है, महसूस होता है अंदर से, समझिएगा कि आप वो हर बार वहाँ हिट कर देते हैं, उस पॉइंट पर आप पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से आप वापस आते हैं। ये ठंडी गर्मी के एहसास के बाद प्रकाश दिखेगा? नहीं, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी घटना या सारी घटनाएं हो सकती है। अच्छा, समझ गया। इसमें से कोई भी एक घटना या सारी घटनाएं हो सकती हैं एक साथ, या दो तीन घटनाएं हो सकती हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ हिट करता है, फिर टकरा के आते हैं। तो यदि वहाँ आपको ठंडक या गर्मी महसूस हो गया, कुछ उष्मा, कुछ बहुत बारीक, लेकिन वो टेम्परेचर डिफरेंस करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो ये घटनाएं बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, तो आपको इतना अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम का भी हम रख ले रहे हैं, क्योंकि अलर्टनेस का टाइम से भी बहुत मतलब है। जिसको समय का जितना बोध होता है, इसका मतलब वो इतना अलर्ट है, थोड़ी भी घटना घटती तुरंत तो समझ जाता है। तो आप एकदम सजग हैं पूरा, यानी आपको समय की पूरी जानकारी है, एक एक समय की। तो जब आपको वहाँ पर महसूस होता है ठंडा या गर्मी, या प्रकाश महसूस होता है, या उस स्थान पर आपको कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो जाए, कंपन महसूस हो जाए, कुछ वाइब्रेशन महसूस हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर आप वहाँ पर हैं उस जगह पर,
आप सांस भरे तो आपको कंपन महसूस हुआ वहाँ पर कुछ, लेकिन वो कंपन चूंकि बहुत सूक्ष्म होता है इसलिए आपको समय के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा, बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये हुआ, फिर वहाँ से आप वापस आते हैं। इस तरह हर बार वहाँ हिट करते थे, अब जब वहाँ हर बार करते हैं इसका मतलब है अब आपकी जो एंट्री है हाँ वो रासायनिक स्तर पर हो गई, यानी वहाँ जो घटनाएं घट रही है ना वो प्राण स्तर पर घट रही है एक तरह से, और आपका मन बहुत सूक्ष्म हो गया है, तो आपका मनस तत्व जो है वो जागृत हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त जागृत हो रहा है। जैसे आप पूछे कि आत्मा का स्तर तक कैसे जाएंगे, कब जाने का पता चलेगा, तो पहले इस जगह पर आपको जाना पड़ेगा प्राण स्तर पर, हाँ ये प्राण स्तर की घटनाएं होती है, या वहाँ तक जाना पड़ेगा। वहाँ तक जब आप जब हिट कर रहे हैं, जब आपको वहाँ पर कंपन महसूस हो जाता है कुछ भी, या वहाँ गर्मी या ठंडक महसूस हो जाती है बहुत हल्की सी, या प्रकाश, हाँ या प्रकाश महसूस हो जाता है, तो आप समझिएगा कि ये हो रहा है। और इसके बाद क्या अवस्था है कि वहाँ पर जा करके, या और थोड़ी सी सूक्ष्म है, वहाँ पर जा करके इनमें से कोई भी महसूस नहीं हो जब, हाँ और इनमें से कोई महसूस नहीं हो, और इनके महसूस हो जाने के बाद कोई महसूस नहीं हो, इसका मतलब यानी कि ये महसूस नहीं हुए, ये महसूस हुए तो ये जो मैंने कहा था ना कि वो वहाँ जाकर हिट करता है, तो ये फिजिकली मैंने कहा था कि वो जाकर भाला की नोक हो गया, लेकिन अब हम केमिकली भाला को बना रहे हैं, अब फिजिकल भाला हटा दिए, अब केमिकल भाला बना रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये और सूक्ष्म है। तो अब वहाँ अब ये जो है जैसे तरंगे हैं, मान लीजिए कि एक तरंग ऐसे से आ रही है, एक तरंग ऐसे से आ रही है, तरंग का तो आपको एहसास है, लेकिन ये जो जो तरंगे जब मिलती हैं जिस जगह पर, वहाँ बहुत सूक्ष्म रिएक्शन होता है, और वह रिएक्शन वह केमिकल नहीं रह जाता है, वह केमिस्ट्री के अधीन नहीं रह जाता है, वह फिजिक्स में चला जाता है बहुत गहराई में, हाँ जहाँ की तरंगे प्रतिक्रिया कर रही हैं, और तरंगे प्रतिक्रिया इस तरह से कर रही हैं कि तरंगे वहाँ पर मिल रही हैं, और वहाँ पर जब वो मिलती हैं उस जगह पर, तो वहाँ वहाँ ये सब तो इस ये जो घटना है ध्यान वाली घटना तो यहाँ तक चली गई, हाँ और वहाँ जहाँ आप हिट कर रहे हैं वह समाधि वाली घटना चली गई। अब मैं योग से थोड़ा रिलेट करके बता रहा हूँ, वो समाधि वाली घटना चली गई, लेकिन वो जो जो तरंगे जहाँ पर वो मिल रही थी और उसके बाद जो है आपको तरंगों का जब एहसास होगा, और उसके बाद फिर आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ आपको क्या एहसास होगा, एक अलग ढंग का एहसास, और वो क्या एहसास होगा, एक भारी वैक्यूम जैसा, बहुत खालीपन जैसा, बहुत हल्का लाइटनेस जैसा, वहाँ आपको लगेगा कि यहाँ अस्तित्व लगता है कि जीरो हो चुका है, ऐसा लगेगा, शून्य जैसा। तो वह जो शून्य है वो समाधि की अवस्था होती है, और वहाँ पर जो है वह निर्बीज समाधि होती है, और उस स्थिति पर जा करके वो कैवल्य वाली घटना घटती है जिसको पतंजलि जी कैवल्य कहते हैं, और वहाँ पर जो अदृश्य तरंगे हैं, अदृश्य तरंगे जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं भागते, अदृश्य का मतलब हमारी आंख से देखने का मतलब सिर्फ नहीं है, आंख से तो हम हवा को भी नहीं देखते हैं, लेकिन ये अदृश्य तरंगों में नहीं आएगा, मतलब जिस लिहाज से मैं अभी बता रहा हूँ, यानी आँख से देखने से, यानी जिसको हम किसी मशीन से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर अदृश्य मेरा यह तात्पर्य है, हाँ सूक्ष्मते सूक्ष्म, जिसको मशीन से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर चित्त डिटेक्ट करता है उस स्थान, तो वहाँ जो है आत्मा का एहसास होता है, और वहाँ भी आपको चिन्मयता महसूस होगी, लेकिन वह चिन्मयता यह प्रकाश जैसा नहीं है। इसका एक दृष्टांत कुछ लोग दे देते हैं, मैं समझता हूँ कि वे गलत करते हैं, इसलिए गलत करते हैं क्योंकि इससे लोगों को भ्रम होता है इसके इस प्रकाश से, वो यह प्रकाश नहीं है, इस प्रकाश सदृश इसको कह सकते हैं, उसको आलोकित होना कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रकाशित होने की वजह, हाँ तो वह जो है आत्मा का आलोक आपको वहाँ महसूस होगा उस स्तर पर जा करके। तो अब आपको अपना जो लगातार उसको करके, जितना शांत हो करके, जितना सजग होकर के आप बैठते हैं उतना आपको पता चलेगा।
तो वहाँ पर आपको एक पूरा एक्सचेंज पता चलता है। जब वहाँ जाते हैं भाले के नोक, तो फिजिकल लेवल का भाला का नोक बनाना है, फिर केमिकल लेवल का भाला बनाना। तो इस स्तर से आप जाएंगे तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। समझ गए, ये इसको समझना काफ़ी जटिल काम है, इसलिए इसको जल्दी कहीं समझाते नहीं है। जब भी नींद आने लगे तो श्वास को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बहुत नहीं बढ़ाएंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे और तेज नहीं करेंगे, आराम से थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे। और जब रिलैक्सेशन कम लगे तो सांस को गहरा छोड़ेंगे, लंबा छोड़ेंगे, और इस तरह से दोनों को काबू में रखे रहेंगे, ना अलर्ट रहना है कि निद्रा में नहीं जाना है। योग निद्रा का या तात्पर्य कि निद्रा में जाएंगे, अलर्टनेस के साथ रिलैक्सेशन में जाएंगे, इसका इतना मतलब है। अब ये दो अलग अलग शब्द हैं, निद्रा रिलैक्सेशन के लिए यहाँ है और योग अलर्टनेस के लिए है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इनका जो संयुक्त जो संयोग होता है वो आनंद होता है। यानी दोनों जब समान हो जाए, जब हम श्वास जितना ले रहे हैं उतना ही श्वास छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बराबर मात्रा जब रहती है, तो सजगता भी बढ़ जाती है और रिलैक्सेशन भी बढ़ जाता है, यानी शांति भी बढ़ जाती है और आनंद की अनुभूति वहाँ होने लगती है। तो ये समान श्वास प्रश्वास करते रहना, ये आनंद की वृद्धि कर देगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा, शांति की वृद्धि करेगा और आनंद की वृद्धि होगी। इस तरीके से करना है। तो यह जो योग निद्रा है, इस तरह से ये कंप्लीट होने लगेगा और हर अंग जो है हमारा निरोग होता चला जाएगा, शरीर के सारे जहर निकलते चले जाएंगे, मन शांत होता जाएगा, मन के विकार दूर होते जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं सब दूर होंगे। तो जब हम माइंड पर फिर वर्क करने लगेंगे तीसरे स्टेज में, तो वहाँ भी यदि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ हमारे भीतर काम वासना बाकी है, फिर लंबी सांस छोड़ेंगे माइंड के उस हिस्से में जा करके, अपने काम वासना को समझ करके, देख के, विचार करके लंबी सांस छोड़ेंगे। यदि हमें लगता है कि हमारे भीतर डर है ज़्यादा, तो उस स्थान पर जा करके फिर लंबी सांस छोड़ेंगे। यदि लगता है क्रोध ज़्यादा है, फिर वहाँ जाके लंबी सांस छोड़ेंगे। जब हम लंबी सांस भरेंगे और उसके बाद लंबी सांस छोड़ेंगे, तो अलर्टनेस के साथ रिलैक्सेशन होगा और जो बीमारी वहाँ है उसको उखाड़ करके, जब सांस भरते हैं लंबी तो वो उखाड़ देता है, जब सांस छोड़ते हैं तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से जो हमारा मानसिक रोग है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार का, उसको लंबी सांस से उखाड़ना है, गहरी प्रश्वास के साथ उसको बाहर निकाल देना है, वो अपने आप होता जाएगा। और जब ये सब हो जाते हैं तब ये सम हो जाएगा, हम आराम से सम सांस प्रश्वास कर सकते हैं, जितनी मात्रा में लेंगे उतनी मात्रा में छोड़ेंगे। तो अब यह है आनंद की वृद्धि बढ़ाएगा, ज्ञान के साथ, शांति के साथ। तो यह योग निद्रा के ध्यान प्रक्रिया है, योग निद्रा भी ध्यान में आता है, तो इसको लेट करके भी करेंगे, बैठ करके भी करेंगे,
खड़े होकर के भी करेंगे। तो तीनों स्थितियों में इसे हम कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी करा देगा। जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने शरीर का, अपने मन का, अपने भाव का जितना सूक्ष्म अनुभूति कर पाएंगे, और अनुभूति कैसे करेंगे, अलर्टनेस से, और नियंत्रण कैसे करेंगे, श्वास प्रश्वास, और अलर्टनेस भी श्वास प्रश्वास से जुड़ा हुआ है। तो पूरी प्रक्रिया समझा दिया हूँ। इस तरीके से सूक्ष्म जो हमारे अस्तित्व का अंश है उसको महसूस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और एक समय ऐसा आएगा जबकि पूरा आलोकित हो जाएंगे आप, क्योंकि आप जो सूक्ष्मतम जो बिंदु हो सकता है हमारे शरीर का, यानी सूक्ष्मतम अंश जो हो सकता है, उससे भी आप गहराई में उतर जाएंगे। और वहाँ पर जो है आत्मा का आपको अनुभूति हो जाएगी, एहसास हो जाएगा आत्मा का, तो वह आपके वहाँ समाधि हो जाती है पूरी। तो ये ध्यान प्रक्रिया वहाँ जाके समाधि प्रक्रिया में बदल जाती है। फिर वहाँ से आप आत्मस्थित रहते हुए श्वास प्रश्वास अपना ले रहे हैं, तो आत्मानंद और ये होगा। अब उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वह परमात्म प्राप्ति का होता है। जो थोड़ा बहुत संस्कार रहते हैं हमारे चित्त में, पुराने संस्कार हैं, थोड़े बीज रूप में रह गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का थोड़ा सा जो बीज रह गया भय का, वह भी जब समाप्त हो जाता है तो निर्वीज समाधि हो जाती है, और तब वहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। यह योग निद्रा की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, और परमात्मा की कृपा अपने आप बरसती है, क्योंकि आपका उद्देश्य पवित्र है, मन निर्मल है, तो वो अपने आप सब होता चला जाएगा। हर परिस्थितियाँ परमात्मा आपके लिए अनुकूल कर देंगे। यह योग निद्रा का है। अब हम लोग लेट के और बैठ के किए हैं, अब हम लोग खड़े होकर के कुछ देर इसको कर लें। तो ये तीनों स्टेज वाला